हेलो मिस्टर एस आर्मी, स्वागत है आप लोग का एक और रहस्यमय वीडियो में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच हमारी पिछली वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए। लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है यार। तो वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ रहस्यमय लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो इस दुनिया के हैं या किसी और दुनिया से, ये तो पता नहीं, पर थे बहुत डरावने और रहस्यमय। तो चलिए एक बार फिर से आपको रहस्यमय और डरावने सफर पर लेकर चलते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है जापान के कैपिटल टोक्यो में हनेडा एयरपोर्ट से। जैसे सारे एयरपोर्ट्स पर चेकिंग्स होती है, वैसे ही वहां पर भी सारे ट्रैवलर्स की चेकिंग हो रही थी। ये बात 1954 जुलाई की है। तभी वहां पर एक रहस्यमयी आदमी आता है अपनी चेकिंग करवाने के लिए। रहस्यमय इसलिए क्योंकि वो बाकी ट्रैवलर से अलग लग रहा था, जैसे ड्रेस, स्टाइल और बाकी आपको आगे पता चलेगा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने देश का नाम टॉड बताया। सब लोग हैरान रह गए कि इस नाम से कोई देश पूरी दुनिया में कहीं था ही नहीं। फिर उसका डॉक्यूमेंट चेक किया गया, जैसे पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स। उसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल वेरीफाइड और सही लग रहा था। लेकिन ये हो कैसे सकता है, जब इस नाम से कोई देश पूरी दुनिया में है ही नहीं, तो फिर वहाँ से ऑथराइज्ड पासपोर्ट को लेकर के ये आदमी कहीं और ट्रैवल कैसे कर सकता है। फिर उससे और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह तीसरी बार वहाँ आ रहा है, बाकी बहुत सारी जगहों पर वो ट्रैवल कर चुका है इसी पासपोर्ट से। तो उसे वर्ल्ड मैप यानी कि पूरे विश्व का नक्शा दिया गया और उससे कहा गया कि अपना देश दिखाओ। तो उसने तुरंत एंडोरा की तरफ पॉइंट करके कहा कि ये मेरा देश है। लेकिन वो आदमी भी हैरान रह गया कि उसके देश का नाम टॉड की जगह एंडोरा क्यों लिखा गया है। उसने ये भी बताया कि उसका देश लगभग 1000 साल से है, तो फिर इस मैप पर कुछ और क्यों लिखा हुआ है। आपको बता दें कि एंडोरा फ्रांस एंड स्पेन बॉर्डर के बीच एक छोटी सी रियासत है। उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और फिर उससे पूछताछ और चेकिंग की गई। उसके पास से बहुत सारे देशों की करेंसी यानी कि पैसे मिले। फिर उसने अपनी कंपनी का नाम बताया जहां वो काम करता है और उस होटल का भी नाम बताया जहां उसने बुकिंग की थी। वो कंपनी और होटल दोनों ही टोक्यो में मौजूद थे, लेकिन उस आदमी के नाम से कोई भी बुकिंग नहीं हुई थी। अब तो ये केस कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी बनता जा रहा था। पुलिस ने उसका सारा डॉक्यूमेंट्स और सामान जब्त कर लिया और उसको अपने पास के ही एक होटल में रखा गया जहां काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी। उस होटल के रूम में सिर्फ एक दरवाजा था एंट्री और एग्जिट के लिए और ना ही कोई बालकनी थी। फिर भी रातों रात वो आदमी इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच से भी गायब हो गए। इतना ही नहीं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उसके बाद उसको खोजने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी बनकर रह गई। इस केस के ऊपर काफी सवाल उठे। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है वो आदमी वास्तव में टॉड नाम के देश से हो पर किसी और ब्रह्मांड से हो। आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना होगा कि हमारे ब्रह्मांड की तरह बिल्कुल सेम और काफी सारे ब्रह्मांड हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है वो टाइम ट्रेवलर हो और फ्यूचर से आया हो, लेकिन अभी तक ये एक अनसुलझी हुई रहस्यमयी घटना बनकर रह गई है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि वो आदमी कौन था, किसी और ब्रह्मांड से आया था या फिर टाइम ट्रेवलर था, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी स्टोरी जो हमारे पास है वो थोड़ी सी पुरानी है, ज़्यादा नहीं, बस लगभग 900 साल पुरानी। ये आपको मजाक या फिर मनगढ़ंत ना लगे, इसलिए मैं टाइम पीरियड और जगह के बारे में बताते हुए चलूंगा और सोर्सेज का भी प्रूफ देते हुए। ये स्टोरी है इंग्लैंड में सफर के एक वुलपिट नाम के गांव की। टाइम पीरियड है 1135 टू 1154, जब किंग स्टेफन का राज चलता था। उस समय कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने दो बच्चों को देखा जो थोड़े अजीब दिख रहे थे, जैसे उनके शरीर का रंग बिल्कुल हरा था, अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे, शायद कुछ ढूंढ रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये अजीब बच्चे थे कौन, कहां से आए थे और यहां पर क्या ढूंढ रहे थे। अचानक वो बच्चे उन किसानों को देखकर भागने लगे। तब उन किसानों ने उन बच्चों को पकड़कर पूछताछ शुरू किया। फिर उन बच्चों ने बताना शुरू किया कि वो दोनों अपनी भेड़ चराने के लिए निकले थे और फिर कहीं से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी और फिर वो लोग आवाज का पीछा करते करते एक गुफा में घुस गए और न जाने कैसे यहाँ आ गए। वो दोनों काफी देर तक वो गुफा ढूंढते रहे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए और फिर किसानों द्वारा पकड़ लिए गए। वो दोनों भाई बहन थे। उनका कहना था कि उनकी फैमिली भी है उनकी दुनिया में। वहां पर पृथ्वी की तरह रोशनी और गर्मी नहीं थी क्योंकि वहां पर कोई सूरज ही नहीं है। चांद की तरह कोई प्लैनेट, सैटेलाइट या फिर कोई स्टार है जो ठंडा होने के साथ साथ थोड़ी रोशनी भी देता है। धीरे धीरे ये घटना पूरे इंग्लैंड में फैल गई और वो गुफा भी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ना ही किसी रहस्य का पता चला और ना ही वो गुफा मिली। फिर उन दोनों बच्चों को वहीं पर रहने दिया गया। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल था
क्योंकि उनका खाना पीना रहना सब कुछ अलग था। लेकिन धीरे धीरे वो इस दुनिया में ढल गए। उनका रंग भी धीरे धीरे हरे से बदल कर हम लोग की तरह हो गया। महीनों बाद उसका भाई बीमार पड़ गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो लड़की एक नॉर्मल औरत की तरह रहने लगी। फिर बाद में आगे इंग्लैंड के ही एक सम्राट से शादी किया और ये घटना एक रहस्यमयी घटना बनकर रह गई। तो इन दोनों घटनाओं के बारे में क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमयी घटनाओं को लेकर के। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी नॉलेजबल।